कोरोना है ही नहीं है। कोरोना नहीं है? नहीं, इतने लोग कहाँ कोरोना है? कोरोना है ही नहीं है हम लोग, कहीं भी घर देखिए कोई मास्क नहीं लगाया है। अच्छा, तो आपका मानना है कि बढ़िया में कोरोना नहीं आएगा? मेरा मानना है कि नहीं है। कभी समाज के दुश्मनों को देखा है? अगर नहीं देखा तो देख लीजिए इन तस्वीरों को। ये कातिल हैं, मौत के सौदागर हैं, ये लोग यमदूत हैं जो बस मौत बांटते हैं। लखनऊ के अस्पतालों की हालत तो आपने देखी ही होगी, गाजीपुर की तैरती लाशें तो आपको याद ही होंगी, उन्नाव के शमशान घाट में मुर्दों को खाते कुत्तों की तस्वीर तो आपके आंखों के सामने चल ही रही होगी। लेकिन इन लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मरते हैं मरने वाले, हम तो मनमानी करेंगे। ये तस्वीरें हैं बलिया की, जहां बच्चों की लंबी उम्र के लिए मुंडन संस्कार करने की मान्यताएं हैं। कोरोना के मद्देनजर यूपी के कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया ताकि कोरोना महामारी को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन बलिया के लोगों ने तो मानो सिर पर कफन बांध लिया हो। उन्हें अपनी और अपने परिजनों की कोई परवाह नहीं, मौका मिला नहीं कि बस गाड़ी रिक्शा ट्रक सब पर लदकर पहुंच गए गंगा किनारे मुंडन करने। जब हमने वहां आए लोगों से सवाल पूछा कि भाई बताओ यहां क्यों आए हो, कोरोना से डर नहीं लगता क्या, तो जवाब मिला कोरोना है ही नहीं। कोरोना है ही नहीं है? कोरोना नहीं है? नहीं, इतने लोग कहां कोरोना है? कोरोना ही नहीं है आपके यहाँ? है ही नहीं हम लोग यहाँ, देखिए कहीं भी घर देखिए कोई मास्क नहीं लगाया है। अच्छा, तो आपका मानना है कि बलिया में कोरोना नहीं आएगा? हाँ, मेरा मानना है कि नहीं है। क्यों, आखिर क्या रीजन हो गया बलिया में कोरोना नहीं प्रवेश? रोज इतने लोग रोज बलिया में संक्रमित पाए जा रहे हैं, लोग इतने संख्या में मौतें हो रही हैं, फिर आपकी दो चार लोग ऐसे मौत हो रही है, कोरोना से कहां मौत हो रही है? कोरोना से मौत ही नहीं हो रही है, खांसी बुखार बस नॉर्मल हो रहा है, सर्दी बुखार। 300-400 के आंकड़े प्रतिदिन आ रहे हैं बलिया में, बढ़ाया जा रहा है नहीं, इसको बढ़ाया जा रहा है। क्या कारण मानते हैं बढ़ाने का, इसको हम क्या माने? आप लोग पता ही देख रहे हैं कि चुनावी माहौल है। अब कहां चुनावी माहौल है, कहां चुनाव है? भाजपा सरकार हार गई, इसके लिए फिर लॉकडाउन लगा रही है, यही वजह है। तो कहीं लॉकडाउन नहीं, मतलब कहीं कोरोना नहीं है, न संक्रमण है, बात ये है। इसीलिए आपको डर नहीं है? हमको डर नहीं है, मास्क इसीलिए नहीं लगा? नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि आस्था की काली पट्टी इनकी आंखों पर चढ़ी थी, लेकिन उस प्रशासन की आंखों पर कौन सी पट्टी बंधी थी कि उन्हें हजारों की ये भीड़ कहीं नहीं दिखी? प्रशासन किस तरह से अपनी ड्यूटी निभा रहा था कि हजारों लोग नदी किनारे जमा हो गए और इन्हें कानो कान खबर नहीं लगी? खैर, सवाल तो बहुत हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। बलिया से अनिल अकेला की रिपोर्ट, यूपी तक।